बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का शेप ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, शेप ऑफ द कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल्स इन डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले द शेप में भी लीनियर, में भी स्क्वायर प्लेनर, में भी टेट्राहेड्रल, में भी ऑक्टोहेड्रल। लीनियर शेप शुड बी लाइक दिस, स्क्वायर प्लेनर शेप शुड बी रिटन लाइक दिस, इट इज स्क्वायर प्लेनर शेप of the molecule, tetrahedral shape should be written like this, and octahedral shape should be written like this, octahedral shape should be written like this। यहाँ पे दरमियान में हम क्या लिखते हैं, central metal atom, और साइडों पे क्या लिखते हैं, ligands, central metal atom, ligands, ligands, ligand, ligands। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के केस में, दोनों के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, चार। कितने लिगेंड्स होते हैं टोटल, चार, चार चार लिगेंड दोनों में होते हैं, ये पर फिर हम बाद में करते हैं। और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना है, सिक्स, यानी कितने लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, सिक्स। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितने हैं, टू। कोऑर्डिनेशन नंबर लीनियर केस में टू, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में चार, ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी लिगेंड नंबर सिक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपके पास हाइब्रिड कोऑर्डिनेशन नंबर दो है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास चार है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, d2sp3 या sp3d2, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन sp है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन में भी d2sp3, में भी sp3d2। ये पे डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग पी लिगेंड, वीक पी लिगेंड, यहां पढ़ेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो आपका शेप क्या होगा, लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। 6 है तो फिर ऑक्टाहेड्रल होगा। अभी हम चेक करते हैं लीनियर वाले केस में। हमारे पास एग्जांपल है जिंक क्लोराइड 2, ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें जिंक दो क्लोरीन के साथ कंबाइन है, एक क्लोरीन इस साइड पे है, एक क्लोरीन इस साइड पे है। इसका शेप क्या है, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एसपी। एंगल कितना है, 180। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4-4 है। स्क्वायर प्लेनर तब बनेगा अगर आपके पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग पील लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग पील्ड लिगेंड आपके पास है। कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग पील लिगेंड। स्ट्रॉन्ग पील लिगेंड वो है विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स इजीली, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। इट मींस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे मुश्तमिल हो, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे मुश्तमिल है, फॉर एग्जांपल NH3, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसान है, मेटल को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इट स्ट्रॉन्गली फील लिगेंड। और टेट्रा के केस में लिगेंड आपके पास क्या होगा, वीक फील लिगेंड होगा। कौन सा लिगेंड होगा, वीक फील। वीक फील मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके वीकली, वीकली मतलब मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देता है। मुश्किल से कौन इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें पड़े हो, लाइक फ्लोरो, इट स्ट्रॉन्ग पी लिगेंड, क्लोरो स्ट्रॉन्ग पी लिगेंड, सॉरी फ्लोरो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता, इट इज वीक पी लिगेंड। क्लोरो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इट इज वीक पी लिगेंड। टेट्राहेड्रल में भी चार कोऑर्डिनेशन नंबर होती है और स्क्वायर प्लेनर में भी चार कोऑर्डिनेशन नंबर। स्क्वायर प्लेनर
शेप तब बनेगा अगर आपके पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग पी लिगेंड, स्ट्रॉन्ग पी लिगेंड मतलब स्ट्रॉन्गली डोनेट इलेक्ट्रॉन, इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन। और ये किस तरह इजी दे सकता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप एलिमेंट आपके पास कम हो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे मुश्किल मिलेगा। सो इस केस में आपके पास है जिंक NH3 4+2, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है। इसमें जिंक और NH3 के दरमियान कौन सा शेप बनेगा, स्क्वायर प्लेनर शेप बनेगा, स्क्वायर प्लेनर शेप आपको मिलेगा, इट इज स्क्वायर प्लेनर शेप। जबकि इस केस में टेट्राहेड्रल में भी चार लिगेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन इसमें लिगेंड आपके पास वीक पील है, वीक पील मतलब इलेक्ट्रॉन वीकली देता है, यानी इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देता है। और कौन इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों को नहीं देता जल्दी, आसानी से नहीं देता। इस केस में शेप क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। अभी देख ले शेप आपके पास है जिंक Cl4-2, ये भी चार जिंक का कॉम्प्लेक्स है, ये भी जिंक का कॉम्प्लेक्स है। इस केस में जिंक का कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, इस केस में जिंक का कॉम्प्लेक्स आपको टेट्राहेड्रल ड्यू टू दिस लिगेंड दैट इज वीक फील लिगेंड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला लिगेंड। सो इस केस में आपको शेप क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल केस में क्वाड्रेशन नंबर क्या है, 6, लिगेंड कितने होने चाहिए, 6। और इस केस में दो किस्म के हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेंगे, D2SP3 SP3 D2, ये दो किस्म के हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेंगे। D2SP3 वाले में स्ट्रॉन्ग पील लिगेंड आपने इस्तेमाल करना है, स्ट्रॉन्ग पील्ड लिगेंड। इसमें कौन सा लिगेंड आपने इस्तेमाल करना है, स्ट्रॉन्ग पील्ड। और ये इनर स्पेयर वाले है, इनर डी इस्तेमाल होता है, यानी इनर डी भी इस्तेमाल हो जाता है, उनको हम नाम देंगे आउटर स्पेयर। ये आउटर स्पेयर है, ये है इनर स्पेयर कंपाउंड्स। इनर स्पेयर मतलब इनर डी इस्तेमाल हो रहा है स्ट्रॉन्ग पील लिगेंड की वजह से। स्ट्रॉन्ग पील लिगेंड कौन कौन है, NH3, इसी तरह स्ट्रॉन्ग पील लिगेंड और कौन है, साइनाइड। ये सारे स्ट्रॉन्ग पील लिगेंड है। और वीक पील लिगेंड के केस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2। वीक पील में कौन से लिगेंड है, वाटर, क्लोरो, फ्लोरो, ये सारे वीक पील लिगेंड्स है। तो इनकी एग्जांपल हमारे पास है आयरन NH3 6+2। इस केस में इसका शेप क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, NH3 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 NH3। और इस केस में आउटर स्पेयर वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2, क्योंकि ये वीकली फील्ड है, इनर डी तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा सकता। इसका एग्जांपल हमारे पास Fe Cl6-3, तो इसका शेप क्या बनेगा, ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में फर्क है। इंशाल्लाह यहां तक कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।